वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा, फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो टुडे आई विल डिस्कस द पार्ट फिफ्थ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बिफोर दैट पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द ऑल दीज पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 1। ओके, सो फ्रेंड्स, फॉर SSC, CGL और एनी SSC एग्जाम्स और एनी स्टेट एग्जाम्स प्लस फ्रेंड्स रेलवे एग्जाम्स, दिस लेक्चर गोना हेल्प यू अलॉट। तो देखिए, SSC, CGL और रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने पार्ट 4 जो आज अपलोड करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड यू टू वॉच ऑल दिस पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 5। This video will be in the bilingual formats because a lot of students from South India as well as from other rest of part of India, so they want to watch this video in English or Hindi also. That's why I'm making this video in English as well as Hindi. So those students who can't understand Hindi, they can watch this video in English. और जो लोग English थोड़ी सी जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैं questions यहाँ पर हिंदी में भी बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। ओके, अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी समझ में नहीं आता है इंग्लिश में जो मैंने बोला है, तो आप कमेंट करिए और हमारी टीम विल डेफिनेटली असिस्ट टू यू। हमारी टीम आपको जरूर बताएगी कि कहाँ पर क्या आपको नहीं आया। ओके, सो फ्रेंड्स, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। ओके, और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कुछ लोग वीडियोस को देखते हैं, 1000 व्यूज़, 2000, 5000, 10000 व्यूज़ होते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, जिससे कि और यूजर्स यहाँ पर वीडियो देखने से चूक जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो देखें, उसके बाद लाइक का बटन जरूर से ज़रूर प्रेस करें। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू यू। अबाउट आवर चैनल, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, स्प्रेड द वर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस एंड यू नो लर्निंग इज प्राइसलेस, सो प्लीज डू एट लीस्ट। आपको पता है कि कुछ लोग के पास पैसे नहीं है, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको शिक्षा का अभाव ना हो, दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग दीज वीडियोज। इसलिए मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ। और आपको करना केवल यह है कि उन तक ये वीडियोस पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना है, उनको चैनल के बारे में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो देन प्लीज डू कमेंट ऑन आवर फेसबुक चैनल। दिस इज facebook.com/currentaffairsfunda। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट फिफ्थ ईयर। सो राइट नाउ I am solving a question for you, that is question number 1 here, the part 5th. Okay, if sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta, this one equals to 5 divided by 4, then friends, you need to find tan square theta plus 1 divided by tan square theta minus 1, that is 2 here, tan square theta. Okay, so this is your question. क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4, ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है ये वाली वैल्यूज। सो फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको इस नेचर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। व्हाट इज कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, आई एम टेलिंग यू,
सपोज ए डिवाइडेड बाई बी, दिस वन इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई सी. सो इफ यू आर अप्लाइंग दिस कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल फॉर्म फॉर दिस वैल्यूज, देन फ्रेंड्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, दिस वन इक्वल्स टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी. सो दिस इज कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल. सो फ्रेंड्स वी कैन से दिस फॉर्मेट इज जस्ट लाइक ए डिवाइडेड बाई बी एंड दिस वन इज जस्ट लाइक बी डिवाइडेड बाई सी. ओके, सो यू हैव टू अप्लाई द सेम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो फॉर्मूला हियर. ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू. ओके, सो फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला हियर. सो इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. जस्ट एड द डिनोमिनेटर हियर एंड राइट नाउ दिस वन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अपर वैल्यू. दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. सो व्हाट इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस वी कैन से 5 प्लस 4. नेक्स्ट टाइम इट विल बी 5 माइनस 4 बिकॉज अर्लियर आई टोल्ड यू इफ ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी, सो इट विल बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. ओके, सो अप्लाई these basics from here. Okay, so friends this cos theta will be cancel out, so here you will get 2 sin theta here. Okay, and this sin theta will be cancel out, so you will get 2 cos theta here. This one will be equal to 5 plus 4 9 divided by 1. Okay, so sin theta divided by cos theta it will gives you 10 theta, so it will be 9 here. Okay, so friends put the value of 10 theta in this equation. So what will be implies here, so it will be 10 square theta, that means 9 square plus 1 divided by 9 square minus 1, so it will be 9 square, that means 81 plus 1 divided by 81 minus 1. So, it one will be 81 plus 1, 82, and 81 minus 1, it will be 80. So, we can easily say 41 divided by 40. This is the simplest fraction here, and this one will be your answer. Okay, so देखिए इस question में हमने क्या किया है कि अगर हमें sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला लगाया है. कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार जोड़ दें, ए प्लस बी कर दें, डिवाइड ए माइनस बी बराबर बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी. तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है. तो हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा ही रखा, नीचे वाली टर्म को इसमें जोड़ दिया ऊपर, फिर हमने ऊपर वाली टर्म्स में से नीचे वाली घटा दिया, तो हमें यहाँ कर cos theta कैंसिल हुआ, sin sin कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 5 plus 4 and 5 minus 4. तो यहाँ 2 sin theta divided by 2 cos theta बराबर 9 मिला, 2 and 2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो sin divided by cos क्या होता है 9, ये 10 होता है, 10 theta की वैल्यू कितनी मिल गई 9. तो अब इस 9 को आपको यहाँ पुट कर देना है, तो आपका ये आंसर कितना आया 41/40. ओके, सो दिस इज द फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट एंड बेस्ट अप्रोच. See some other type of problems here, that is question number 2 here. Suppose sin theta plus cos theta, that is divided by also sin theta minus cos theta, this one equals to 3 divided by 1 here. Okay, so friends you need to find sin is to power 4 theta minus cos is to power 4 theta. You need to find out this value here. Okay. तो अगर आपको question दिया है sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta equal to 3 divided by 1,
तो आपको फाइंड करना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इस क्वेश्चन में सेम आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला जैसा मैंने आपको पीछे बताया वही लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये वाली टर्म होगी, तो सेम वैल्यू है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, टेन थीटा साइन डिवाइडेड बाई कॉस, आपको क्या निकल के आएगा, जैसे मैंने पीछे बताया आपको सेम यू विल गेट द वैल्यू है। लेट मी राइट डाउन वंस अगेन फॉर यू फ्रेंड्स, सी सी इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस वन विल बी एड हेयर प्लस साइन थीटा ऑल्सो माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हेयर एंड दिस वन विल बी थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन। So when you will cut down these values, cos cos will be cancelled out, sin and sin will be cancelled out. This one will be 2 sin theta divided by 2 cos theta here. It will equals to 3 plus 1 that is 4 divided by 2. So friends, we can say 10 theta, this one equals to 2. Okay. So we can say 2 divided by 1. 10 theta, this one equals to 2 divided by 1 here. Okay, so friends, you know very well, if we finally got the value of 10 theta here, so let me erase something for you friends, just a moment. Yeah, finally, so finally we got the value of 10 theta, that is 2 divided by 1. So we know very well 10 theta, that is also equals to perpendicular divided by base, if we are talking about any right angle triangle, that is side A, point V and point C. So this one is the perpendicular part, this one is the base, and this one will be hypotenuse here. Okay, so 10 theta is equals to perpendicular divided by base, so value of 10 theta, this is 2y1, that means we can say this one will be the value of 2 here and base, that will be the value of 1 here. So friends, from here we can easily calculate this one will be root 5 here. Okay, so right now we can calculate from here the value of sine theta. So what is the value of sine theta here and cos theta? So the value of sin theta, it will be 2 divided by root 5, and the cos theta, it will be 1 by root 5. Put these two values into this equation, so what it will implies, it will be 2 divided by root 5 is to power 4 minus 1 divided by root 5 is to power 4. So this one will be 2 is to power 4, that means 16, and root 5 square, that will be 5, and again 5 square, it will give you 25. So it will be 16 divided by 25 minus symbol as it is here, 1 by root 5 is to square, that means 1 by 25 here. So from here we can say friends, 15 divided by 25 here, so it will be 3 divided by 5, that is the exact fraction here. Okay, so this one will be the exact value of sine is to power 4 theta minus cos is to power 4 theta, this value will be this one. Okay, तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थ्री बाई वन, ये टोटल दिया था, तो यहां से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला लगाने के बाद। अब आपको फ्रेंड्स पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक चीज मैं यहाँ और लिख रहा हूँ, वन थिंग आई एम राइटिंग ऑल्सो हेयर, पी परपेंडिकुलर बी बेस अगेन पी divided by h h b, this is equal to sine theta, sine theta equal to perpendicular divided by h, that means p divided by h,
दिस वन विल बी कॉस थीटा बी डिवाइडेड बाई एच एंड दैट इज टेन थीटा पी डिवाइडेड बाई वी एंड जस्ट रिवर्स देम देन यू विल गेट ऑल रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके सो इन हिंदी वी कैन ऑल्सो से एल ए एल बटे के ए दैट मीन्स लंब आधार कर्ण लंब कर्ण कर्ण आधार लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार. ठीक है ये आपका परपेंडिकुलर क्या होता है ये होता है लंब इसको हम एल कह सकते हैं. ठीक है लंब और बी क्या होता है बेस इसको हम कहते हैं आधार और ये एच हाइपोटेनियस इसको हम क्या कहते हैं सॉरी हाँ ये हाइपोटेनियस इसको हम कहते हैं कर्ण. ठीक है तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी यहां आपने यही अप्लाई करना है साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना है पी डिवाइडेड बाई एच दैट मीन्स लंब बटा कर्ण लंब कितना है टू कर्ण कितना है रूट फाइव तो कितना आ गया टू बाई रूट फाइव ऐसे ही कॉस थीटा निकाला इन दोनों वैल्यूज को हमने यहां पुट कर दिया और उसके बाद में हमारा सोल्यूशन ये आ गया. मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. बट फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम शोइंग यू अनदर एग्जाम्पल दैट इज प्रॉब्लम नंबर थ्री हियर दिस इज जस्ट सिमिलर टू द वन बट लेट मी राइट डाउन फॉर यू. सी फ्रेंड्स इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिस वन इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस रूट थ्री. ओके सो जस्ट अ बिट हियर सो दैट इज माइनस हियर. ओके वन माइनस रूट थ्री एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वाई टू. सो दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट्स व्हाई आई एम शोइंग टू यू. तो क्वेश्चन ये दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस रूट थ्री. ये माइनस का सिंबल है. ठीक है वन माइनस रूट थ्री. ओके तो आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू. सो फ्रॉम हेयर अप्लाइंग द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल सो फ्रेंड्स यू विल गेट एग्जैक्टली टेन थीटा when you will solve this part here so this one will be equals to 1 plus root 3 plus 1 minus root 3 divided by 1 plus root 3 minus 1 plus root 3 so root 3 and root 3 will be cancel out here 1 and 1 this will be cancel out so you will definitely get 2 divided by 2 root 3 2 and 2 it will be cancel out so we finally got tan theta that is equals to 1 divided by root 3 you know very well friends in the tan column which one having the value of 1 by root 3 that is equals to tan 30 degree so from here we can say theta is equal to 30 degree apply this theta in this place so we will get friends sin square theta by 2 that means 30 degree divided by 2 that means 15 degree here so what is the value of sin 15 degree in our trigonometric table I already told you what is the value of 15 degree that it will be root 3 minus 1 divided by 2 root 2 okay so when you will divide this one square this one so friends you will get 2 minus root 3 divided by 4. I am writing directly here. You can calculate this one from yourself and you will ultimately get the final result here. Okay. देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दिया है 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 तो आपको इस चीज को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है तो इसमें क्या करना है आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व होगा तो ये आएगा आपका tan थीटा जैसे कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस लिख दें यही वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस ये वाली वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया था कि a डिवाइडेड बाय b है तो इसको क्या करेंगे a प्लस b करना है और दूसरी बार a में से b घटा देना है तो सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको जैसा मैंने पीछे बताया था आपको tan थीटा मिलेगा
इसमें भी यही अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। इस 30 डिग्री को जब हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो हमें 15 डिग्री मिला। साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/√2। इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 - √3 हेयर डिवाइडेड बाई 4, दिस वन विल बी आवर आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, दिस इज द पॉसिबल एंड बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस हियर। ओके सो लाइक दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड और ऑल द कॉन्सेप्ट हियर, एंड फ्रेंड्स कमेंट हियर फॉर ऑल योर ऑल द सजेशंस, एंड फ्रेंड्स शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस चैनल टू योर ऑल द फ्रेंड्स who are preparing for competitive exams and they don't have any medium to join any coaching, they don't have proper money, that's why I'm making all these videos free for you. तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। और हमारी नेक्स्ट सीरीज जो होगी Part 6, उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किरण पब्लिकेशन जो है, किरण पब्लिकेशन एसएससी के लिए है, और अगर आपको अगर आपको रेलवे के क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप रेलवे के लिए अरिहंत की प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो आप उनको बनाइए, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को खत्म करूं। इसके साथ में टाइम एंड डिस्टेंस को भी फिनिश कर रहा हूं, और उसके बाद हम अलजेब्रा करेंगे और बहुत सारे मैथ के और जीएस के टॉपिक्स करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।